शहर में बीते कुछ दिनों से चाकू की नोक पर लूटने के मामले हुए। इसी बीच सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत भी सोमवार को एक सब्जी विक्रेता को चाकू की नोक पर लूटने का मामला सामने आया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सकरदरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बीते कुछ दिनों से शहर में सब्जी विक्रेताओं को लूटे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच सकरदरा में सब्जी विक्रेता को चाकू की नोक पर लूटा गया। मिली जानकारी के अनुसार बीडीपेट निवासी रमाशंकर कुशवाहा ठेले पर सब्जी बेचते हैं। वह सोमवार तड़के 2:20 पर सब्जी खरीदने के लिए कॉटन मार्केट जा रहे थे। सकरदरा के बिंझानी कॉलेज के पास दुपहिया पर डबल सीट सवार युवकों ने चाकू की नोक पर कुशवाहा से मोबाइल और 3,000 रुपए लूट लिए। सकरदरा पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर इस मामले में तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में और आरोपी सामने आने की जानकारी पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल ने दी है। काल सकाळी 5:10 सुमाराला भाजीपाला खरेदी करण्याकरता एक छोटा व्यापारी त्याच्या गाडीवर कॉटन मार्केट येथे जात होता। सकरदरा पुलाच्या पुढे बिंझानी कॉलेजच्या गेटसमोर एका स्कूटरवर 2 लोक आले सुरुवातीला आणि त्यांनी त्याला चाकूचा धाक दाखवून त्याच्याकडून 3,000 रुपये आणि एक मोबाईल हिसकून नेला। या स्वरूपाचा गुन्हा मागच्या आठवड्यात पण सकरदरा आणि पूर्ण नागपूर शहरात झालेल्या होत्या। त्याबाबतीत लकडगण पोलीस स्टेशनला एक दारोड्याचा गुन्हा दाखल झालेला होता आणि त्या घटनेशी साधर्म्य साधणारा हा पण गुन्हा घडलेला आहे। सकरदरा पोलिसांनी तात्काळ याच्यामध्ये माहिती मिळवली आणि तपास करून कपिलनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून काल कपिलनगर पोलिसांच्या मदतीने आरोपी ताब्यात घेतले। या गुन्ह्यातले त्याच्या बाबतीत अधिक तपास चालू आहे। 3 आरोपी आतापर्यंत आम्ही अटक केलेले आहेत आणि अजूनही आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे आणि अजूनही नागपूर शहरातले इतर या स्वरूपाचे गुन्हे निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे। तपास प्राथमिक स्तरावर आहे सध्या।